जो क्वेश्चन दिया उसने क्या पूछा हुआ है कि डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन का टोटल पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स क्या होगा, आपको काउंट करके बताना है। जान लेंगे पहले हम लोग डाई मिथाइल का कितना फिगर बन सकता है वो देख लेते हैं एक बार। तो डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन में ध्यान देना, आप ऐसा सोच सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो और आप यहां सोच सकते हो, ठीक है। बस डायमीटर साइक्लोपेंटेन में चूंकि हमको बोला है कि स्टीरियोआइसोमर्स को काउंट करना है, उसमें क्या करेंगे, इस फिगर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है। चेक, अब इन दोनों फिगर को हम फोकस करते हैं, तो ध्यान देना इस फिगर में दो पॉसिबिलिटी होगा, एक होगा सिस एक होगा ट्रांस। ये मैं सिस फिगर बना रहा हूं और अगला फिगर ट्रांस फिगर में बना रहा हूं। एक ट्रांस में क्या होगा, एक वेज पे आएगा और एक कहां जाएगा, चलो डैश पे जाएगा। बता देना जो सिस ट्रांस फिगर बन रहा है, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो सिस वाला फिगर है। तो सिस वाले फिगर में क्या है, चलो पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जो ट्रांस वाला फिगर है उसमें पीओएस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इस कंपाउंड का दो पॉसिबिलिटी है, एक डी और एक एल। ठीक, तो अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के लिए कितना स्टीरियोआइसोमर्स बन सकता है, इसके लिए बनेगा वन इस फिगर का डी फॉर्म और इस फिगर का एल फॉर्म, इसमें टोटल तीन पॉसिबिलिटी बनने वाला है। सिमिलरली हम अगर इस फिगर को देखें तो इसमें भी क्या होगा, पहले दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं, एक होगा इस और एक बनेगा ट्रांस। अभी सिस ट्रांस में ध्यान देना, जो सिस वाला है उसमें क्या होगा, पीओएस होगा। सिस में पीओएस है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक, ट्रांस वाले फिगर में क्या है, ये इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यानी अब इसका क्या होगा, इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर डी फॉर्म आइदर एल फॉर्म। इस फिगर में भी कितना बना, बच्चे लोग इसको काउंट कर लें, तो ये नंबर वन इस फिगर का डी फॉर्म, तो नंबर टू कर देते हैं इसका एल फॉर्म, जिसको हम नंबर थ्री कर देते हैं। तो टोटल जो पॉसिबल आपका स्टीरियोआइसोमर बनने वाला है डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के लिए, वो टोटल बनने वाला है सिक्स। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है, ये चीज आपके एनसीईआरटी से बाहर का चीज है और आपके पास अभी टाइम नहीं है कि इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ पाओ, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो तो सिंपली आपको क्या करना है, पास्ट पेपर को एनालाइज करना है। उसको एनालाइज करने का सबसे सिंपल तरीका है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पे क्या करेंगे, हम लोग इस तरह के वीडियोज को डालते जाएंगे, तो जो जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें जो पॉसिबिलिटी होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर इस तरह क्वेश्चन दोबारा आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।